trying hard, but you wanna be my friend. हेलो सलाम नमस्ते वेलकम टू माय चैनल सैम ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। अब मैं शिमोगा से मलपे बीच के लिए निकल गया हूँ। अभी वक्त हो रहा है मॉर्निंग का 7 o'clock। अर्ली मॉर्निंग में जर्नी की शुरुआत करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। आप देख सकते हो ये तीर्थहल्ली रोड है और बाइक का फ्यूल मेरे फ्रेंड ने कल रात को ही डला के रखा था, तो इसलिए फ्यूल का कोई मसला नहीं है। मेरे लेफ्ट साइड पर आप गाजनूर डैम देख सकते हो। ये डैम तुंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये सकरे बोलू है और ये जगह एलिफेंट कैंप के लिए मशहूर है। यह रास्ता बहुत सीनिक है और रास्ते के हर मोड़ पे आपको खूबसूरती नजर आ जाएगी। मेरे लेफ्ट साइड में आप कन्नूर डैम का बैक वाटर देख सकते हो और सच में ये बहुत खूबसूरत है। आप सामने देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा फॉग है और ऐसे फॉगी वेदर में ट्रैवल करने के एक्सपीरियंस को मैं बता नहीं सकता, बल्कि यह आपको ख़ुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मेरे लेफ्ट साइड पे आप मंडगद्दे बर्ड सेंचुरी का वॉच टावर देख सकते हो। ये कर्व देखते ही मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि तीर्थहल्ली ऑलमोस्ट आने वाला है।
सो गाइस, ये तीर्थहल्ली है और हमने लगभग 1 आवर लिया है शिमोगा से तीर्थहल्ली रीच होने के लिए। गाइस, अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा वरना। सो गाइस, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ख्याल रखो एंड कीप ट्रैवलिंग।